शिवसेना ने एग्जिट पोल के नतीजे पर भरोसा जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की कड़ी मेहनत की उन्होंने तारीफ की। पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि नई लोकसभा में कांग्रेस को इस बार विपक्ष के नेता पद के लिए पर्याप्त सीटें मिल जाएंगी। और तो और सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि साल 2019 में फिर से मोदी सरकार आएगी और ऐसा कहने के लिए राजनीतिक पंडितों की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि ये भी दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। तो वहीं राहुल और प्रियंका की प्रशंसा करते हुए शिवसेना ने लिखा है, निश्चित ही इन दोनों ने मेहनत की। और तो और पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास लोकसभा में इतनी भी संख्या नहीं थी कि विपक्ष के नेता का पद पा सकें, लेकिन इस बार वो जरूरी सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। गौर की जाए इस बात पर कि अधिकतर एग्जिट पोल के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के नेतृत्व वाली सरकार बनने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ एग्जिट पोल में भाजपा को 300 से अधिक सीटें मिलने और लोकसभा में आराम से 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करने का अनुमान है। SPN9 न्यूज से अजय की रिपोर्ट।